हेलो स्टूडेंट, साइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग जो हिंदी का वीडियो आपके सामने डेली बाय डेली मिल रहा है यूपीएसआई के लिए चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, उस क्रम में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग शुरू किया है टॉपिक शब्द। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द के जितने भी प्रकार हैं उन सभी प्रकार को डिवाइड किया गया है चार आधार पे, उत्पत्ति का आधार, व्युत्पत्ति का आधार, अर्थ का आधार और प्रयोग या रचना का आधार। तो आज हम लोग पहला आधार लेंगे जिसका नाम है उत्पत्ति का आधार, यानी आज हम लोग जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर अर्थात हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी अलग अलग भाषा से जन्म लिया है, अलग भाषा से हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इसी को हम लोग उत्पत्ति का आधार माना गया है। जिसमें उत्पत्ति के आधार में जो पहला प्रकार है वो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द और दूसरा है तद्भव शब्द, दोनों हम लोग एक साथ समझेंगे। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारी भाषा हिंदी का जन्म जो है संस्कृत भाषा से हुआ है, तो संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम बिना परिवर्तित किए, बिना उसको बदले, जैसे के तैसे ही हम लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो संस्कृत के शब्द हमको मिलते हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं, वही आपके क्या है? तत्सम है। संस्कृत भाषा के शब्द ही क्या है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी इसको परिवर्तित नहीं किया गया, बिना बदले ही हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और सेम इसी का अपोजिट आप कह दें कि संस्कृत का जो शब्द हिंदी में बदल गया है, यानी संस्कृत का परिवर्तित रूप आपका तद्भव कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जितने भी हिंदी भाषा के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, वो सब आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी जो संस्कृत का शब्द है वो तत्सम, और जो संस्कृत का बदल करके हिंदी कर दिया गया है वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। तत्सम शब्द के कुछ एग्जाम्पल जैसे अश्रु, घृत, अश्व, श्वसुर, बहुत सारे शब्द हैं। बस हम यहां आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो देखिए, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं और ज्यों का त्यों हम लोग अगर बोल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो यही हमारे तत्सम के शब्द कहलाएंगे। और इन्हीं को अगर बदल दिया गया, जैसे अश्रु का बना दिया गया आंसू, घृत का बना दिया गया घी, अश्व परिवर्तित हो गया घोड़ा, श्वसुर परिवर्तित हो गया ससुर, तो ये देख रहे हैं आप कि वही शब्द जो संस्कृत का था उसी को परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये तद्भव हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि तद्भव शब्द क्या होते हैं और तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम, 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 स आ रहा है ना, तो संस्कृत का शब्द, इसमें देखिए तद्भव तो ये हिंदी का शब्द। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? आपको इस शब्द में देखिए एक लिखा है देश और एक लिखा है ज, अर्थात देश से जन्मा। यानी हमारी भाषा जो हिंदी है, हमारे देश में केवल हिंदी भाषा तो बोली नहीं जाती है,
हिंदी के अतिरिक्त और बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी बोलियां हैं जो प्रयोग की जाती हैं। तो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बोलियों के कुछ ऐसे शब्द हैं जो अच्छे लगते हैं, जिन्हें लोग बोलना पसंद करते हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं के या बोलियों के कुछ शब्द जो हैं वो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग देशज शब्द कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द। क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं लोटा है ना, लुटिया, अंगोछा, खटिया आदि, इस तरह के जो शब्द हैं आपके हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द, उन्हीं को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हमको मिलता है विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द, यहां पर आप शब्द देख सकते हैं कि विदेश और ज, विदेशज अर्थात विदेश से जन्म लिया हुआ। तो यहां तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल से ही हमारे देश भारत में अनेक धर्म और अनेक भाषा के लोग हमारे देश में आए हैं और शासन किए हैं। तो स्वाभाविक बात है कि अलग अलग भाषाओं के जो शासक हमारे देश में आए हैं या धर्म के लोग आए हैं, तो उनकी भाषा का भी प्रभाव हमारी हिंदी पर पड़ा है। इसलिए हमारी हिंदी भाषा ने उन विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द प्रयोग कर लेता है, इंसान इसका प्रयोग करते रहता है, हिंदी में प्रचलित हो गया है। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं, वही आपके विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत हमारे हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द हैं, जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसी है ना, चीनी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। तो अलग अलग देश की भाषाओं के शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग होते रहते हैं, तो उन्हीं शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। मेरा मेन मोटो है कि आपको इन शब्दों से परिचित मैं करा दूं, ताकि आप जान जाए कि देशज शब्द क्या है और विदेशज शब्द क्या है, ताकि आप जब भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें या एग्जाम में बैठे तो आप क्लियर कर सके कि हाँ ये देशज होता है, विदेशज होता है। बाकी इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप हमारे ऐप पर, हमारे साइन क्लासेज ऐप पर पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में हम लोग ये बातें समझते चलते हैं। तो हमने उत्पत्ति के आधार पर देख लिया चार प्रकार के शब्द, आप तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसी के अंतर्गत हम लोग एक प्रकार का शब्द और देखेंगे, जिसे हम कहते हैं संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? तो दो भिन्न भिन्न भाषा, दो भिन्न भिन्न भाषा से निर्मित शब्द, दो भिन्न भिन्न भाषा से निर्मित शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब यहां पर देखिए, संकर शब्द किसे कहेंगे कि दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग भाषा के शब्द होने चाहिए। एक ही भाषा के शब्द रहेंगे तो नहीं होगा, अलग अलग भाषा के शब्द होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं अश्रु गैस, अश्रु गैस, तो देखिए ये एक नया शब्द बना हुआ है। इसमें अश्रु शब्द जो है ये है तत्सम शब्द, और जो गैस शब्द है ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो दो अलग अलग भाषा के शब्द मिल गए, नया एक शब्द बना आपका संकर शब्द। इसी तरह से देते हैं छायादार, छायादार में छाया जो शब्द है ये संस्कृत का है,
लेकिन यहीं पर जो दार शब्द है ये फारसी भाषा का है। इस प्रकार छायादार जो शब्द है ये कैसा शब्द है, शंकर शब्द है। इस तरह से आप ले सकते हैं रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी। तो देखिए रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। मोटर गाड़ी में मोटर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने हुए नए शब्द आप क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे जो हमारे शब्द के प्रकार हैं उसको हमने देख लिया, क्लियर कर लिया, और आप इस पर अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे और तैयारी में आप लगे रहेंगे। धन्यवाद।